इन सब से छुटकारा हासिल करें, अपने आप ही और अपने बच्चों का भी, अपने प्यारों का भी। तो ये वीडियो है एक अवेयरनेस के बारे से, साथ साथ कचरा आप देख रहे हैं नीचे, कचरे का निज़ाम धर्म भरम हुआ हुआ है। बारिश के बाद तो वैसे ही धर्म भरम हुआ है मामला कराची का। ये देखिए बंदा आए है, क्या पानी फेंका इसने, पानी भी फेंकता है कचरा भी फेंकता है यार। यानी ये जो लोग हैं ना, ये सुधरने वाले नहीं है, कचरा भी फेंकेंगे। अभी उस दिन मैं वीडियो बना रहा था, वो भाई ऊपर से किसी ने थैली फेंकी कचरे की पड़ाक करके। अब मैंने कहा यार कचरा कोई यार फेंक रहा है तो क्या बंदा बोले किसी को यार। तो बदल तो चाहता है कि दो चीज़ें यार, डिक्टेटर बंदा बन जाए। डिक्टेटर में क्या होता है, ट्रक से बांधो और खूब कोड़े लगाओ कि उल्टा लटका दो, चेन पर लटका दो उल्टा, गर्मी में लटका दो, या जिसम पर ऐसा लगा दो तेल के चूटियाँ आगे काटें कि यार इंसान के बच्चे हो ना, कि कचरा फेंके दो अभी यार। यानी आपकी अपनी जगह है, रहने की जगह है, अपने घर को तुम साफ नहीं रखे तो बाहर तो साफ रखो यार। तो उसके लिए एक बड़ा अच्छा कानून बनाने का मैंने बोला कि कानून जो है किसका बन सकता है, कानून किसका बन सकता है कि आपने करना क्या, आपने करना है कि वजीर आलम बहादरी साहब को कि कानून पास करना है पार्लियामेंट से। तो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, चाहे वो गाड़ी वाले हों, चाहे वो ट्रैफिक वाले यूनिफॉर्मेशन वाले हों, चाहे कचरा वाले हों, कोई इंडिविजुअल पकड़ा जाता है कचरा फेंकते हुए, उसके ऊपर पैसे का जुर्माना नहीं हो, उसके ऊपर उसकी सिम का जुर्माना हो, उसकी सिम जो दिन के लिए ब्लॉक हो, फिर उसकी सिम जो है एक महीने के लिए ब्लॉक हो, फिर उसके घर वालों की सिम दो महीने के लिए ब्लॉक हो, इस तरह अगर पकड़ा जाता है वो, तो इस तरह कानून बनाएं ताकि लोग जो है सुधरें। साथ साथ जो ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन करता है पकड़ा जाता है, उसके लिए भी ये करें कि उसके ऊपर भी जो इंडिविजुअल के ऊपर जो है सिम बंद करने का जो है वो जुर्माना लगे। और पहली बारी में दो दिन के लिए सिम बंद करें, दूसरी बारी में एक महीने के लिए सिम बंद करें, और तीसरी बारी में उसके साथ साथ उसके घराने जितने लोग हैं सबके CNIC पे दो दिन के लिए सिम बंद करें। लेकिन माने जब घर वालों की सिम बंद होगी ना, तो घर वाले जब सलावादे सुनाएंगे ना और बैकेट करेंगे इस बंदे का कचरा फेंकने पे या ट्रैफिक रूल्स वायलेशन पे, तो माशाल्लाह खुद ही सुधार की तरफ चल जाएगा। ठीक है, बात सारी क्या है कि हमें गली मोहल्ला सुधारने से पहले अपने घर को सुधारना। आज मैं अपने ऊपर काम कर नहीं करूँगा, आज मैं अपने भाई को नहीं बोलूँगा, आज मैं अपने घर में किसी को नहीं सुधारूँगा, तो बाहर क्या सुधारूँगा खास। तो ये डंडा उठाना पड़ेगा हमारे मेयर को, वजीर आलम को। डंडा ये मोहब्बत का डंडा है, और ये डिजिटली डंडा है जो कि सिम बंद करके है। माने लोग अब नेट बंद कर देना, लोग पागल हो जाते हैं। फेसबुक ना इस्तेमाल हो, यूट्यूब इस्तेमाल ना हो, इंस्टा इस्तेमाल ना हो, एक्स इस्तेमाल ना हो, तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो क्या है कि अगर इनका बंद हो जाएगी, सिम बंद हो जाएगी, तो क्या करेंगे। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है और एक अच्छा कानून है जो आप लेके आ सकते हैं, और लोग जो कर सकते हैं। अभी कचरा फेंक रहा है बंदा, शर्म नहीं आ रही इसको कचरा फेंकते हुए। देखिए कचरा फेंक रहा है, उधर खाना रखा हुआ है, ये पूरा जो है वो है। ये देखिए ये रंग है, रंग फेंक रहा है। उसको भी पूछने वाला नहीं बच्चे को, यार तुम क्यों कर रहे हो ऐसा, उसे कौन पूछे यार। ये दुकान वाले ही है ना, देखिए कितना कलर फेंक रहा है। देखिए अरे कलर उड़ के हमारे ऊपर आ रहा है, हमारे बच्चों के ऊपर जा रहा है, कौन पूछने वाला है इससे। तो इनके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, इनके ऊपर जुर्माने लगनी चाहिए इनकी। अब जिसे बच्चा पकड़ा जा रहा है ना कलर फेंकते हुए, उसकी दो दिन के लिए सिम बंद कर दें, फिर दोबारा पकड़ा जाए तो उसकी दुकान वाले की सिम बंद कर दें। तो सिम में बंद होंगे ना तो लोग सुधरेंगे, अदरवाइज लोग नहीं सुधरेंगे। तो ये है छोटी सी मेरी गुजारिश आप लोगों से और मेरे काफी मतलब जवाब साहब से। बाकी आप देख सकते हैं ये है कराची के करीब आबाद का मीना बाजार, जो कि सामने वाक़ है आपकी जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। और ये हम आते हैं करीम आबाद से, और करीम आबाद की जो मार्केट है, यहाँ मजाना जहाँ मछाना कपड़े मिलते हैं और साथ साथ जो है चीज़ें मिल रही होती हैं। और मामला ऐसे हैं कि लोग जो है परेशानी के आलम में हैं, चीज़ें हैं, महंगाई है, और ये बिल्कुल फिक्रे में लगा हुआ है कचरा, फिर कोई पूछने वाला नहीं। अभी ऊपर से किसने दवाई की शीशी से फेंकी है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। तो ये गुजारिश है मेरे कराची से कि वो ऐसे कानून लेके आए कि लोगों के ऊपर जुर्माने हों, सिम बंद करने के जुर्माने हों, ताकि लोग जो है सुधरें और सुधार की तरफ आए।